नमस्कार, मैं कमलेश चव्हाण, आरोग्य विकास फाउंडेशन न्यूरोथेरेपी सेंटर मुंबई से। हमने कुछ दिन पहले बच्चों के बारे में बात की थी, ऑटिज़म के बारे में कि ऑटिज़म क्या है। ऐसे ही एक और प्रॉब्लम होता है सीपी चाइल्ड, बच्चों में ही होता है ये ज़्यादातर जन्म से। तो कई बार लोग ऑटिज़म और सीपी चाइल्ड को डिफाइन नहीं कर पाते, उनको लगता है दोनों सेम है, लेकिन बहुत अलग है। सीपी चाइल्ड में जो होते हैं इसमें ब्रेन में डैमेजेस होते हैं, और ऑटिज़म में ब्रेन में डैमेज नहीं होता है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन में डैमेज होता है। तो ये जो है इसमें जन्म से ही सेरेब्रल पल्सी यानी ब्रेन का पैरालाइज, ऐसा इसका अर्थ माना जाता है। और ब्रेन का पैरालाइज होने से जो ये बच्चे होते हैं इनके मसल मूवमेंट, इनके जो मसल टोन है, इनकी क्या कहते हैं मूवमेंट हाथों पैरों की, बैलेंस या पोस्चर, ये सब इनका बिगड़ा हुआ होता है। और जब ये बच्चा जन्म लेता है, कई बार नॉर्मल डिलीवरी में भी ऐसे बच्चे हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता है। जब बच्चा 5-6 महीने का होता है उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी दिखती है तो फिर पेरेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर पता चलता है कि ये बच्चा सीपी चाइल्ड है। तब वो फिर उसके इलाज के लिए क्या करना, कभी कभी तो 2 साल की उम्र तक पता नहीं चलता, क्योंकि कई बार बच्चे लेट बोलते हैं या लेट एक्टिविटी करते हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि बोलेगा करेगा, लेकिन जब 2 साल तक नहीं होता तब फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं, टेस्ट होते हैं, सब पता चलता है कि ये बच्चे को प्रॉब्लम है। इसमें ज़्यादातर MRI या CT स्कैन में पता चल जाता है कि इसमें डैमेजेस हुए हैं। अब ये क्यों ऐसा डैमेज हुआ ब्रेन में, या तो बच्चा प्रीमैच्योर हुआ और जब जन्म हुआ तो उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंचा ब्रेन में। न्यूरोथेरेपी में हमने देखा है कि जो मदर जिसको प्रेगनेंसी में कुछ तकलीफ हो गई, जैसे ब्लड प्रेशर हाई होना या डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में हो गई थी, या उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था या एनीमिक थी बहुत, ऐसे सब कारण भी होते हैं जिसके कारण बच्चे में ये प्रॉब्लम आ सकता है, यानी उसका ब्रेन डेवलप नहीं होता है। वैसे ही प्रीमेच्योर बच्चा, प्रीमेच्योर मीन्स जिसका वेट 2 किलो से कम है, वो प्रीमेच्योर। अगर बच्चा 7 महीने में हुआ है, 7वें महीने में, और उसका वेट 2 किलो है तो उसको प्रीमेच्योर नहीं माना जाता, और अगर 9वें महीने में हुआ लेकिन वेट कम है तो उसको प्रीमेच्योर माना जाता है। तो प्रीमेच्योर बच्चों के भी ब्रेन डेवलप नहीं हुए होते बहुत बार, हमेशा नहीं पर बहुत बार। तो ये सारे कारण हैं, और पता कब चलता है, जब वो थोड़ा बड़ा होता है तब। भाई इन बच्चों में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टाइटनेस होती है, मतलब हाथ पैर ऐसे मुड़, इतने टाइट होती कि ऐसे मुड़ जाते हैं, पैर मुड़ जाते हैं, घुटने ऐसे टाइट हो जाते हैं, और ये हाथ पैर सीधे नहीं हो पाते हैं। और कई बार बोलना, सुनना, समझना, ये भी इस पे भी असर होता है। ये बच्चे भी कभी कभी कुछ कम, मतलब 10% बिगड़ा हुआ है, कभी कभी बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ होता है। इसमें क्या है, जो कम तकलीफ़ में है, जिसमें कम डैमेजेस हैं, तो वो बच्चे में बहुत बार फिजिकली प्रॉब्लम होते हैं, मतलब उसके हाथ पैर टाइट हैं, वो हाथ से खाना नहीं खा सकता है, पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता है, कुछ ऐसे उसके प्रॉब्लम होते हैं, इतने टाइट है कि वो कोई चीज़ होल्ड नहीं कर पाता, पकड़ नहीं पाता है, पैरों में भी ऐसे चल नहीं पाता, खड़ा नहीं हो पाता है, पर ब्रेन वाइज वो अच्छा होता है। बहुत बार वो बोलना, सुनना, समझना सब ठीक है, सिर्फ फिजिकली प्रॉब्लम है। और कई कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा डैमेजेस हैं, तो उनमें मेंटल फिजिकल दोनों प्रॉब्लम होते हैं, तो उनमें समझना, बोलना, सुनना सभी में प्रॉब्लम होता है और शरीर में भी प्रॉब्लम होता है। तो फिर ये जो बच्चे हैं इनके लिए पेरेंट्स ज़िंदगी भर भटकते हैं उनको ले लेके, और उनके लिए इलाज क्या है,
तो ऐसे तो बड़ी बड़ी डिक्शनरियों में लिखा है कि इसका कोई खास इलाज नहीं, फिर भी फिजियोथेरेपी है या स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ये सब करने से कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है उनकी फिजिकल एक्टिविटी में। लेकिन इसके आगे उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। तो फिर इनका इलाज क्या है? तो सभी जगह जब देखा जाए तो यही इलाज है। होम्योपैथी ले सकते हैं, आयुर्वेद ले सकते हैं, उनमें भी कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। तो इसमें हम न्यूरोथेरेपी में क्या करते हैं? तो न्यूरोथेरेपी में सबसे पहले हम देखा जाता है कि हमें लगता है कि जो न्यूरोथेरेपी में हमारे गुरुजी ने भी देखा, हमने भी देखा है कि ये बच्चों का अल्कलाइन बढ़ा हुआ होता है। तो अल्कलाइन एसिड का पहले बैलेंस किया जाता है, और जैसे ही बैलेंस किया जाता है कुछ दिनों में उनमें चेंजेस नज़र आने लगते हैं। और चेंजेस में थोड़ा सा समझना या थोड़ा सुनना या थोड़े बहुत हाथ ठीक थोड़े से लूज होना, ये दिखने लगता है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम, इनको जब ठीक किया जाता है तो इमीडिएट रिजल्ट और अच्छे दिखने लगते हैं। उनको हर एक सेल्स को, बॉडी के हर एक ऑर्गन को जब डाइजेशन द्वारा प्रॉपर डाइजेस्ट होके जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होके उनके सेल्स में जाएगा, तो धीरे 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 वो चेंजेस आने लगते हैं। बच्चे के हाथ पैर थोड़े लूज होते हैं, वो थोड़ा बोलने लगता है, समझने लगता है, कुछ कुछ चीज़ें सुनने लग जाता है, और धीरे धीरे ये चेंजेस बढ़ते जाते हैं। कुछ टाइम के बाद उसकी स्पाइन जो टेढ़ी होती है वो सीधी होनी शुरू होती है। वो सीधी शुरू होगी, सीधी होनी, तो उसके पैर सीधे होने शुरू हो जाते हैं, और कुछ टाइम के बाद यानी साल भर के बाद वो चलने लगता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे बच्चे हैं जो न्यूरोथेरेपी में आए और उनमें डे बाय डे धीरे 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 चेंजेस आए। और ये हाँ, ऐसे बच्चों के लिए समय लगता है, 6 महीने, साल, 2 साल भी लग सकते हैं। इसमें क्या होता है, कई बार मैंने देखा है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं, फिर क्या है, दूर से आए हैं, बच्चे को उठा के लाना है, रोज़ ले जाना है, तो थोड़ा सा पेशेंस कम हो जाता है, मुश्किल होती है, तो वो वापस नहीं आते हैं और उसमें रिजल्ट नहीं आता है। पर जो पेशेंसली लगे रहते हैं, आते रहते हैं और ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, उनमें सचमुच में रिजल्ट आते हैं और वो दिखते हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जो नॉर्मल स्कूल में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, कई सालों से ऐसे बच्चे हैं जो अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। इसमें माँ बाप को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हमारे बच्चे का क्या होगा आगे, उसका फ्यूचर क्या होगा। अगर वो समझने लगता है, सुनने लगता है, पढ़ सकता है, कर सकता है, तो धीरे धीरे वो अपने पैरों पे खड़ा भी हो सकता है। 10th कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, और कुछ न कुछ कोर्स करके वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार के भी ऐसे बच्चे हैं जो आज ठीक हो चुके हैं। ऐसे बच्चों के लिए असल में तो बहुत, मतलब पेरेंट्स जो होते हैं उनके लिए ऐसा लगता है कि सब दरवाजे बंद हैं, लेकिन डॉक्टर मेहरा जी ने आपके लिए एक दरवाज़ा खोला हुआ है जिसका नाम है न्यूरोथेरेपी। और इस न्यूरोथेरेपी में अगर आप आते हो, आप ट्रीटमेंट लेते हो, तो आपको रिजल्ट दिखते हैं। और ऐसे बच्चों के लिए ये न्यूरोथेरेपी एक वरदान है। आपके आसपास कहीं भी ऐसे पेशेंट हैं तो उनको आप सलाह दीजिए, आप न्यूरोथेरेपी सेंटर में जाइए और उसके कुछ टाइम तक रिजल्ट देखिए। और असल में आपको पेशेंसली ये करना होता है, डॉक्टर और पेशेंट के पेरेंट्स, इन दोनों को बहुत पेशेंस रखना होता है, क्योंकि ये स्लो स्लो प्रोसेस है, ये ब्रेन की प्रोसेस है, इसको ठीक होने में टाइम लगता है। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। नमस्ते। बोलो, आपका नाम? नीतू पांडे बोल रही हूँ। मैं प्रबल, मेरा बेटा प्रबल पांडे, इसको मैं लेके आई थी पिछले साल।
ये प्रबल पांडे। हाँ जी, पिछले साल मैं लेके आई थी अक्टूबर मंथ में, मैं इसको गोद में उठा के लेके आई थी। क्या प्रॉब्लम था इसको? इसको सीपी चाइल्ड लोग बोलते थे, इसके ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन ना पहुंचने से इसके स्पाइन में प्रॉब्लम, चल नहीं पाता था, ग्रिपिंग इसकी बहुत खराब थी, मतलब हाथ से कुछ पकड़ना होल्ड करना बिल्कुल नहीं होता था। तो अभी क्या, इसको गोद में लेके हम वहाँ से आए थे गोरखपुर से आई हूँ यूपी। फिर इसके यहाँ पे लाई, 10 डेज ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद ये मतलब अपने खुद से चलना, पकड़ पकड़ के चलना स्टार्ट किए। पहले ये ईयरफोन पहनते थे पैर में शूज, वो भी इनका निकल गया, मतलब नॉर्मल स्लीपर पहनने लगे, स्लीपर पहन के। ये कितने महीनों में हुआ? ये 20 डेज या 1 महीना मान के चलिए, 1 महीने के ट्रीटमेंट में मेरा उंगली पकड़ के चलना छोड़ दिया, यहाँ तक विदिन अपने हाथ अपने से चलना शुरू किए, सीढ़ियाँ नहीं चल पाते थे, सीढ़ियाँ चलने लगे और छोड़ के हाथ छोड़ के चलने लगे, आराम से अपने से खुद से चलने लगे। और आप कितने महीने रहे थे यहाँ बॉम्बे में? 4 मंथ थे। और आप आए कहाँ से हो? गोरखपुर यूपी से। अच्छा, और अभी वापस आए हैं? अभी दोबारा वापस आए हैं, कम से एक मतलब नॉर्मल टेस्ट के लिए कि देखें पहले से कितना बेहतर है, कितना बेहतर है। तो अभी आपको क्या लग रहा है? अब तो ये भाग दौड़ रहा है एकदम। अब तो काफी काफी इम्प्रूवमेंट है। अभी स्कूल में इनका एडमिशन कराया है, पहले तो स्कूल में एडमिशन कोई टीचर भी नहीं लेने को तैयार होते थे क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम था इनको। तो अभी नॉर्मल स्कूल में? अभी नॉर्मल स्कूल में इनका एडमिशन हुआ है। अभी ग्रिपिंग भी काफी बेटर है, पहले से बहुत अच्छी हो गई है, अभी वर्ड समझ में आते हैं, बोलने में भी क्लियरिटी बहुत आ गई है। पहले इनकी बातें लोग समझ नहीं पाते थे, सिर्फ मम्मा समझती थी इनकी, लेकिन अभी के सब लोग इनकी बातें समझते हैं और बहुत क्लियर और सब बातें बोलते हैं और लिखते भी बहुत अच्छे से हैं। मतलब मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं हर साल यहाँ पे इनके लिए, इनको दिखाने के पर्पज से या ये मिलने आएंगे, मैं उनसे इसी से लेके आऊँगी मैं इनको। और न्यूरोथेरेपी के बारे में आप को क्या लगता है? मेरे लिए तो भगवान ने मेरे को तो सबसे सही रिजल्ट दिखा, क्योंकि मैं इनको खाना खिलाना, पॉटी ले जाना, पहले ये बैठ नहीं पाते थे, नॉर्मल पॉट पे बैठ के नहीं कर पाते थे, अभी क्या बैठ जाते हैं, कर लेते हैं, टॉयलेट वगैरह चले जाते हैं, खुद से करते हैं सारे काम, पहले रोटी वगैरह तोड़ के नहीं खाते थे, अभी खाना अच्छे से खा लेते हैं, पानी पीना सब कुछ होल्ड करके अपना ग्लास में लेकर। हाँ बोलो क्या? पॉटी धुल लेते हैं, नहीं मम्मी मना करती है। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। मेरे लिए तो ये भगवान है, गॉड है। आगे तो रिजल्ट इनका आप लोग देखिए, ये है ही।